वासुदेवाय। श्री गजेन्द्र मोक्षी स्तोत्र संसारे समस्त स्तुति ও স্তোত্রের মধ্যে অগ্রণী। এই স্তোত্রে নিত্য পাঠ করলে ও শ্রবণ করলে জীব সংসারের সমস্ত ভয় পীড়া ও ঋণ থেকে মুক্তি পায়। ওম নমো শ্রী সুখ উবাচ এবং ব্যবসিত বুদ্ধা সমাধায় মনোরিদি जजाप परमं जाप्यं प्रागजन्म अनुशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै जद्येदच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय विधीमहे जस्मिन्निदं जदेश्चेदं जेनेदं जोइदं स्वयं जोहस्मात् परश्चाप्य परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवं स्वात्मनिदं निजमायार्पितं क्वचिद्विभातं क्वचत्तत्तिरोहितं अविद्यद्रीकोशाक्षुभयं तदीक्षते स्वात्ममूलवतु मा परात्परम्। कालेनु पञ्चत्यमितेषु कृतस्मसु लोकेषु पालेषु च सर्वहितेषु तमस्तदाहसीन गहनं गभीरं जन्तुषु पराभि राजाते विभु न जस्य देवारिषयो पदं विदुः जन्तुर्पुनः कहर्हित गन्तिर्मितुम् जथा नटस्य क्रीतभिः चेष्टतो दुरत्रक्रमणोन् स्वमावतु दिदीक्षक्वजस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गामुनयो सुसाधवः चरन्तलोकं व्रतमप्रभं वने भूतात्मभूता सुहृदं सा मे गतिः न विद्यते जस्व च कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकस्य भयाय च समायातन्य कालमृच्छति तस्मै नमो परेशाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये अरूपरूपरूपाय नमो आश्चर्यकर्मणे नमो आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनश्चेतसामपि स्वत्तेन प्रतिलभ्याय निष्कर्मण्य विपाश्चिता नमो कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमो शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिने निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रगाय नमस्तभ्यं सर्वाध्याक्षसाक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृते नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टा सर्वप्रत्याय हेतवे आसताच्छायाक्त सदा भासाय ते नमः। नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वगमामाय महार्णवाय महानमो महापवर्गाय परायणाय गुणार्णिच्छन्यच्युतस्मरायाय जतो क्षोभ विभूर्ष मानसा निष्कर्म भावेन विवर्जितागमाय सप्रकाश नमस्करामि। माद्रीक प्रपन्या पशुपास विमक्षनाय मुक्ताय भूरिकारणाय नमो अलाय संसेन सर्वतनुभृमृतासि प्रतितः प्रत्यग्र दृश्ये भगवते बृहते नमस्ते। आत्माप्त जप्त गृह वित्ते जनेषु सत्ये दुष्प्राणपनाय गुणसंग विवर्जिताय मुक्तात्मभिः सुहृदं परिभाविताय
ज्ञानात्मने भगवते नमो ईश्वराय। जं धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्तो इष्टा गतिमाप्नुवन्ति। किं त्वत्त्वासिरात्यापि देहभयं करतो मोहद्भयो विमक्षणम्। एकान्तिनो जस्व न कांचनार्थ वाञ्छति जे वै भगवतो प्रपन्या। अद्भुतं चतुर्थच्च हितं सुमंगलं गायन्तो आनंद संप्रमन्तु मग्ना। तत्तत्त्वक्षरं ब्रह्मं परमं परेशं अव्यक्तमध्यात्मजोगं अगम्यं। अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवेतातु मनस्तमादं परिपूर्णमीधे। जस्यो ब्रह्मोदयो देवा वेदा लोकाश्चराचरः नामरूप विभेदेन फल्या च कलया कृता। यथार्चिता सन्ने सवीर्गदस्तु निर्जन्ति संजास्तु सरोजितः। यथाजत वयं गुणसंप्रवाहं बुद्धिर्मनोखानि शरीर सर्गा। सा वै न देवसुरमर्तान्तिरां न स्त्री न षण्डो न पुमान न जन्तु नायं गुणकर्म न संन्यचासन निषेधशेषो जयदाशेषो। जिजीवेषु नाम मिहामुहायके महातुसे भयान्या। इच्छामि कालेन न जस्य विप्लवः संतास्तलोकवरण्य मोक्षय। सोहं विश्वसृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदस्य महा विश्वात्माजं ब्रह्मं प्रपन्यास्मिं परं पदम्। योगरन्धितो कर्मणोर्हि योग विभाविते योगिनो जं प्रपश्यन्ति योगे संतो नमोऽस्तहं। नमो नमस्तं ब्रह्मस्यम वेग शक्तित्रयाखिलो गुणाय प्रपन्न पालाय दुरंत सत्ते पदिन्द्रियानमाप्नये वर्तने। नायं वेदा समात्मानं जच्छत्तं धियं हतं तं दूत्तार महात्मं भगवन्तं मिहाश्वहम्। श्री शुक उवाच एवं गजेन्द्रमपवर्णित निर्विशेषं ब्रह्मोदयो विविधि धलिङ्गभिनायं न तनतोजसात्माय तत्र खिलाय मायो हरिनिवासितः। तं तत्त्वतां जगन्निवासो स्तोत्रं तमस्य दिव्याय सह संविभवि। छन्दमनाय गरुडेन स्वमोहन्यामः चक्रसंयतो गजेन्द्रः। सहन्त सरोऽसुरान् बलेन गृहीतमार्त दृष्टा गरुडरश्मी हरिं। खोत्तात शब्दम् उत्क्षिपितं सम्भुजं करं गिरमाह पृच्छा। नारायणोऽखिल गुरु भगवन् नमस्ते त्वं विक्षं परिमेयं सहासवीर्यं सहासमी सहसं कृपा जुहार। ग्रहाद विपाटित मुखाल दीर्घजन्द्रं संसप्रपश्यं हरिमुप्राप्स मामनाम्। श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस संहितायाम् अष्टमस्कन्धे गजेन्द्रमोक्ष समाप्तम्।